हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, इसरो की तरफ से जो शॉर्ट नोटिफिकेशन 27 जनवरी को पब्लिश किया गया था, जिसका मैंने अपडेट अपने इस चैनल पर डाला हुआ था, तो उसी वैकेंसी से रिलेटेड इसका डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया फ्रेंड, और इसका फॉर्म भी 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन में देखते हैं आगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, और उसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी फ्रेंड, इसमें है मेकट्रॉनिक्स, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है 2 वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी है जनरल कैटेगरी के लिए है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया है वो MA दिया है, MTech दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो वर्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पर रिटेन, इसमें जो सिलेक्शन मेथड है वो रिटेन टेस्ट है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो फ्रेंड, यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, दो पोस्ट आर टेम्परेरी, मतलब इसका ये है कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि पोस्ट टेम्परेरी बेस पे है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, संविदा बेस है कुछ साल के लिए। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये टेम्परेरी बेस नहीं है। यहाँ पर लिखने का पर्पज ये है कि इन केस कभी अगर इसरो में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, या फिर इसरो कभी कुछ या किसी कारणवश बंद होता है, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसरो इतनी बड़ी संस्था है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पोस्ट आर टेम्परेरी लिखा हुआ है। इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये परमानेंट जॉब है, क्योंकि बहुत सारी अब जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे PSU है, वो इसी तरह करके एडवर्टाइजमेंट अब पब्लिश कर रही हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए। तो जो दूसरी वैकेंसी है मटेरियल साइंस के लिए, इसमें एक वैकेंसी, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन और जो सिलेक्शन मेथड है रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू है। मैथमेटिक्स में एक वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए MSc मांग रखा है, यहाँ भी एक वैकेंसी है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ आप देखते हैं जो ITI वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक वैकेंसी निकाली गई फ्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल 63 वैकेंसी है। यहाँ आप देख सकते हैं जनरल के लिए 28, OBC के लिए 16, SC के लिए 9, ST के लिए 5 और EWS के लिए 5 वैकेंसी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दे रखा है, यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल और ITI होना चाहिए इन ट्रेडों में, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। इसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन ब्रांच वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें जनरल के लिए 5, OBC के लिए 3, SC के लिए 3, EWS के लिए 2 है। यहाँ भी सेम वही क्वालिफिकेशन है, आपके पास हाई स्कूल और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें NCVT से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड। इसमें भी जो सिलेक्शन मेथड है रिटेन टेस्ट है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, बस इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। इसके साथ ही फोटोग्राफी में भी टोटल 5 वैकेंसी निकाला गया है। फीटर वालों के लिए भी 17 वैकेंसी निकाली गई है। प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक्स के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है फ्रेंड। टर्नर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है। मोटर मैकेनिक्स के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिस्ट के लिए 5, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी है। इनका सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम है फ्रेंड। आगे बात करते हैं ड्रॉप मैन मैकेनिकल के लिए 11 वैकेंसी है, इसमें भी क्वालिफिकेशन ITI मांग रखा है। ड्रॉप मैन सिविल के लिए भी 5 वैकेंसी निकाला हुआ है। बात करते हैं जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं जिनके पास टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 वैकेंसी निकाला हुआ है। जनरल के लिए 11, OBC के लिए 9, SC के लिए 5, ST के लिए 2, EWS के लिए 1। इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ। इसके आगे कंप्यूटर साइंस में भी 6 वैकेंसी निकला हुआ है, जनरल के लिए 4 है, OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। इसमें भी आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसमें सिलेक्शन मेथड जो है फ्रेंड वो सब में सेम है, आपका रिटेन टेस्ट होना होगा, उसके बाद आपके पास स्किल टेस्ट होगा रिटेन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है, सिविल के लिए 4 है, मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसी है। तो फ्रेंड, मैंने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पे ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के ऊपर वीडियो डाल रखा है, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए कि इसरो में किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, एनिमेशन मल्टी मीडिया के लिए 1 वैकेंसी, मैथमेटिक्स के लिए 1 वैकेंसी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है फ्रेंड वो ग्रेजुएशन है BSc, और इसके साथ ही आपके पास जो सिलेक्शन मेथड दिया है वो रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट दे रखा है। इसके साथ कुक के लिए जो वैकेंसी है 4 वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है,
और आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। इसमें भी रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट है। फायरमैन के लिए 3 वैकेंसी है, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी 6 वैकेंसी दिया हुआ है, हैवी व्हीकल के लिए भी 2 वैकेंसी दिया हुआ है फ्रेंड। अब बात करते हैं फ्रेंड इसमें जो सैलरी दे रखा है वो जो पोस्ट कोड 1 से लेकर 4 तक का इसमें जो दिया है उसमें जो बेसिक आपका स्टार्ट होगा वो 56,100 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 18 से लेकर 27 तक, यानी इसमें एज लिमिट दे रखा है 18 से 35 साल, और इसमें जो बेसिक होगा आपका 44,900 रुपये, यानी जो डिप्लोमा होल्डर जो कैंडिडेट हैं ये उनके लिए फ्रेंड काफ़ी अच्छी यहाँ पे बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रही है। इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब टेक्नीशियन भी यानी जो ITI होल्डर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बेसिक स्टार्ट होगा वो 21,700 से होगा, और इसके साथ साथ आपके पास अदर अलाउंसेस भी मिलेगा जैसे DA, HRA और ये सब बेनिफिट आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो व्हीकल ड्राइवर और फायरमैन कुक के लिए जो वैकेंसी थी उसके लिए जो बेसिक स्टार्ट होगा 19,900 होगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है फोटो सिग्नेचर और आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आप रेडी रखिएगा। तो फ्रेंड जो उसमें एप्लीकेशन फीस दे रखा हो टेक्निकल असिस्टेंट और जो BTech और BSc वाले हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 250 रुपये है, और इसके साथ ही जो ITI होल्डर कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। लेकिन आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपये देना पड़ेगा, टेक्निकल असिस्टेंट में आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जब आप एग्जाम अटेंड करते हैं तो उसके बाद आपके अकाउंट में 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है फ्रेंड जो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए है वो लगभग सेम है। 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 1.5 घंटा में आपको देना है 90 मिनट में, और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 आप देख सकते हैं। मैंने टेक्निकल असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वीडियो एक बना रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च तक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जो भी अपडेट हो आपको आसानी से मिलता रहे।